धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहिद्दीन सा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते समझते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, कई लोगों ने सवाल पूछा था और कुछ चीज़ें जो चल रही हैं इस दौर में, हाई कोर्ट के अंदर एक मुकदमा चलता है 2017 से, एक रविंदर सिंह ढुल नामक एक वकील है जिसने 23 या 24 अगस्त 2017 को एक याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में। उस याचिका को चलते चलते आज लगभग 6 साल होने को हैं और उसमें बहुत सारी सुनवाइयाँ पंचकुला दंगे से संबंधित चलती हैं और वो निरंतर चल भी रही हैं। लेकिन क्या है कि ये जो असली नकली वाले मसले में और ये जितनी नौटंकी एडम ब्लॉक में चलाई हुई है, इस सब मसले में वो चीज़ें कहीं गुम हो गई, पर उसकी सुनवाई चल रही है और उसमें एक याचिका हमारी तरफ से भी लगाई गई है जो 2 साल हो गए लगभग लगाए हुए। आपको याद हो एक मिस कॉल कैंपेन चलाया था हमने, उसके बाद एक जनहित याचिका लगाई थी, तो वो हमारी याचिका भी उसमें है। तो हम हमारी तरफ से भी कुछ लोग निरंतर उस याचिका में कोर्ट के अंदर पेश होते हैं और जिससे हमें उस याचिका में जो भी कार्रवाई चल रही है उसकी सारी जानकारी मिलती रहती है। तो आज हम बेसिक तौर पे इस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हाई कोर्ट में चल क्या रहा है और जो चल रहा है क्या वो असल में उसकी असलियत कितनी है और धरती पे उसकी हकीकत कितनी है। ये 24 अगस्त 2017 को एक वकील कोर्ट हाई कोर्ट जाता है कि हमें जी पंचकुला में इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, खतरा है, ये है वो है, तो कुछ करो, हाई कोर्ट इस पे संज्ञान ले। तो हाई कोर्ट इस पे संज्ञान ले लेता है 24 अगस्त को। जब हाई कोर्ट इस पे संज्ञान लेता है तो इसमें दो जज सुनवाई करते हैं, आपको नाम याद रहने चाहिए, एक एस सरों नाम से जज हैं, वो अभी रिटायर हो चुके हैं, और दूसरे एक अवनीश झिंगन नाम से एक जज है जो शायद मौके पे अभी भी हाई कोर्ट में हैं। तो ये दो जज इस पे सुनवाई करते हैं जिसमें एस सरों जो है वो सीनियर जज होता है और अवनीश झिंगन जूनियर, तो मतलब सुनवाई मुख्य तौर पर एस सरों नाम का जज कर रहा होता है। और जिनको नहीं पता ये कौन है, तो जो पंजाब के लोग हैं वो जानते हैं कि SGPC के इलेक्शन के लिए सरकार ने जिस रिटायर्ड जज की ड्यूटी लगाई है SS सरों, ये वही SS सरों जज की यहाँ बात हो रही है। इन दोनों जजों ने 24 तारीख को सुनवाई की और सरकार से पूछा अभी तुमने कितनी पैरामिलिट्री कंपनियां फोर्स वगैरह ये सब लगाई हैं तो बताओ, तो सब पे बात हुई। और उसके बाद अचानक से क्या होता है कि उनको लगता है भी हम दो जज अकेले इसको चलाएं ये सही नहीं है, तो हमें इसको फुल बेंच पे ले जाना चाहिए। ये डिवीजन बेंच होता है दो जजों का, उसके बाद फुल बेंच होता है उसमें तीन जज हो जाते हैं, तो मतलब तीसरा जज आ जाए तो फुल बेंच, तो इसको फुल बेंच पे होना चाहिए। तो उस टाइम इन दोनों जजों के साथ एक तीसरे जज की एंट्री हुई थी और उसका नाम था सूर्यकांत शर्मा। 25 तारीख की सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो धारा 144 लगाने का एक ऑर्डर पास हुआ था हरियाणा सरकार की तरफ से। वो ऑर्डर जब पास हुआ वो लगभग 22 या 23 तारीख को पास हो गया होगा। 24 तारीख की सुनवाई में या 25 तारीख की सुनवाई में जब उस ऑर्डर को चेक किया गया तो ये पाया गया कि उस ऑर्डर में एक लाइन लिखना जरूरी होता है कि 4 से 5 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते धारा 144 में, और उसके अलावा किसी के पास जो निजी हथियार है वो हथियार थानों में जमा कराने होते हैं, ये मतलब एक रूल होता है उसमें। लेकिन जो हरियाणा सरकार ने ऑर्डर पास किया था उसमें ये लाइन मिसिंग थी, धारा 144 पूरी नहीं होती थी उस ऑर्डर के तहत। अब ये लाइन जानबूझ के मिस कही गई या अनजाने में हुई, या आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये लाइन मिस हुई और कोर्ट ने कहा भी तुमने ये लाइन तो लिखी नहीं, अब लोग तो इकट्ठे हो गए, मतलब मान के चलिए भी सरकार ने जानबूझ के लाइन नहीं लिखी ताकि लोग इकट्ठे हों तो कानूनी तौर पे उन्हें बाहर निकालने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए।
तो 25 तारीख की सुबह कोर्ट को हरियाणा सरकार बोलती है जी ये लाइन हमने लिख दी है और अब हमने इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है। मतलब जब पंचकुला में 4 से 5 लाख लोग आ चुके हैं उसके बाद ये ऑर्डर जारी होगा हुआ कि 5 लोगों ने इकट्ठे नहीं होना है। उससे पहले धारा 144 में ये ऑर्डर लिखित में सरकार द्वारा जारी नहीं हुआ था। दूसरा क्या है कि जब भी कोई कोर्ट फैसला सुनाती है, कोई भी कोर्ट, आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे छोटी से लेके बड़ी, और जब उस कोर्ट में कोई फैसला सुनाया जाता है मतलब किसी मुकदमे को लेके जो लंबा मुकदमा को चल रहा हो किसी आरोप पे फैसला सुनाया जाता है, अगर कोर्ट ने उस बंदे को बरी करना होता है या सजा देनी होती है, दोनों अलग अलग चीज है, अगर सजा देनी होती है तो एक नैब कोर्ट होता है कोर्ट के अंदर, तो उसको कोर्ट ऑर्डर देती है भी बाकी बंदों को कोर्ट से बाहर निकाल दो और आसपास जो बाहर कोर्ट के सिक्योरिटी में पुलिस तैनात होती है उसको अलर्ट कर दिया जाता है ताकि जब सजा सुनाई जाए तो जो आरोपी है वो भाग ना जाए। तो इसी तरह 25 अगस्त से पहले जो सिक्योरिटी लग रही थी पंचकुला सब कुछ ये सब उसी का एक हिस्सा थी भी अगर सजा सुनाई जाएगी तो आरोपी को कोई भगा के ना ले जाए। तो ये इसका मतलब क्या है भी कोर्ट को, सरकार को और हाई कोर्ट को ये पहले से पता था इस माहौल में, तो हमें अब समझ में आया 5-6 सालों में तौर तरीके जब हम खुद कोर्ट में जाने लगे हैं, लेकिन उस टाइम नहीं पता था। अब इसका मतलब ये इस तरीके से सरकार, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को ये पता था मैं ये फैसला खिलाफ ही आना है और ऐसे में ये कुछ हो सकता है। अब ऐसे में जब हाई कोर्ट में 24 तारीख को सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट के पास क्या ऑप्शन था, हाई कोर्ट चाहती तो ये बोल देती भी एक काम करो 25 की जगह 26 या 27 तारीख को फैसला सुनाओ और उससे पहले पंचकुला के सारे सेक्टर्स खाली कराओ। 24 तारीख को जो सुनवाई हुई हाई कोर्ट में उसमें यही कॉन्सेप्ट निकल के आया था सुनवाई में कि भाई सेक्टर खाली कराओ। तो 25 तारीख की सुबह हरियाणा सरकार ने लिख के दिया कि पंचकुला में 1 से लेके 20 सेक्टर तक खाली कराए जा चुके हैं, लेकिन जब पहले वाले दो जज थे वो फिर भी लोगों के बचाव के लिए सोच रहे थे, लेकिन जो तीसरा जज किसके कहने पे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और कौन थी पीछे वो ताकत जिसने तीसरे जज को इंट्रोड्यूस किया, उसने हाई सूर्यकांत शर्मा उसने हाई कोर्ट में डीजीपी हरियाणा को पता है क्या बोला, कहते ये बंदूक चलाने के लिए दी है, रखने के लिए नहीं दी, और बकायदा ये ऑर्डर लिखित में जारी किया कि अगर कोई भी हिंसा हो या किसी भी तरह का उपद्रव हो तो पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया जाता है फोर्स को उसके, मतलब ये लिखित में हाई कोर्ट ने ऑर्डर लिख कर दिया। ये अभी भी ऑर्डर हाई कोर्ट का हमारे पास भी है, आप तो ऑनलाइन मिल जाता है, ये ऑर्डर लिखित में था अभी पुलिस किसी भी तरह का बल प्रयोग कर सकती है। अब हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से 1 से लेके 20 सेक्टर तक खाली थे, उसके बाद 21 सेक्टर से लेके 26 सेक्टर 27 जितने भी पंचकुला में है वहां पे पब्लिक थी एक तरह से, तो ये हाई कोर्ट का हाई कोर्ट में बताया गया। अब पंचकुला में जब गोली चली और जो कोर्ट है, सच आपको पहले बताओ जो कोर्ट है पंचकुला की वो 5 सेक्टर में आती है पंचकुला के, अब पंचकुला में जो गोलियां चली वो 5 सेक्टर में नहीं चली, वो गोलियां अलग अलग सेक्टरों में चली, जो वहां के निवासी हैं या पंचकुला के उसको समझते हैं भूगोल को वो आपको बता देंगे, अगर कोई हो लाइन पे तो कमेंट में भी लिख दे। वो गोलियां कोर्ट के पास जो हाईवे चलता है उस हाईवे के दूसरी तरफ, अब मुझे सेक्टर याद नहीं है लेकिन एरिया पता है, जिमखाना क्लब का जो एरिया वहां पे है वहां के पार्क में संगत बैठी थी तो गोलियां वहां चली। अब जब ये चीज आप समझो गोलियां चल कहां रही हैं, हाईवे के दूसरी तरफ जहां से कोर्ट लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है, उसके बाद उपद्रव हुआ ओबी वैन फूकी गई वगैरह वगैरह करके क्या हुआ कि एक केस बनाया गया और इस केस में एक पत्रकार ने कहा जी मैंने आदित्य अरोड़ा को बात करते सुन लिया भी कैसे दंगा करना है, और उसके बाद एक केस बनाया गया और उस केस में दिखाया गया कि पूरी साजिश डेरे में रची गई। अब दूसरी तरफ जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, हाई कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ानी थी तो उसने हाई कोर्ट में सुनवाई चली भी जो नुकसान हुआ है इस दंगे में,
अब क्योंकि जो लोग मारे गए, पंचकुला पुलिस का ये कहना था भी पिताजी को भगाने की साजिश थी जो 17 अगस्त 2017 को हनीप्रीत की अगुवाई में डेरे में रची गई, और उसके तहत ये दंगा हुआ, ये सब कुछ हुआ, ये प्री प्लान्ड था। अब इस सारे मसले में हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है? हाई कोर्ट ने खुद गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, तो हाई कोर्ट ने अभी तक पुलिस से ये नहीं पूछा भी ऐसे कौन से हालात थे कि तुम्हें गोली चलाने की नौबत आई, क्योंकि अगर हाई कोर्ट ये बात पुलिस से पूछ लेगी तो पुलिस सबसे पहले यही जवाब देगी कि तुम ही ने तो ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, तो तुम पूछ ही कैसे सकते हो, खुद तो ऑर्डर दिया और खुद ही पूछ रहे हो भी क्यों चलाई। तो इसलिए हाई कोर्ट ने इस सवाल पे, ये सवाल इस पूरी सुनवाई में कभी नहीं पूछा भी गोली क्यों चलाई और क्या हालात थे। दूसरा, पंचकुला पुलिस का कहना था भी पिताजी को भगाने की साजिश थी। अब पिताजी को भगाने की कोशिश किसने की, इसको लेके एक भी आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है। जिस चीज की साजिश रची गई, उस साजिश को अंजाम देने के लिए किसने कोशिश की कि भाई पिताजी को भगाने की कोशिश की जाए, इसको लेके एक भी आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है भाई इस बंदे ने पिताजी को भगाने की कोशिश की। ये बात समझो। अब पंच जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सुनवाई किस चीज पे कर रही है भाई, जो नुकसान हुआ है इस आगजनी में वगैरह वगैरह हरियाणा पंजाब में, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या डेरा इस नुकसान की भरपाई करेगा, या फिर जो नुकसान हो गया वो हो गया, उसकी भरपाई सरकार करेगी, कौन करेगा? इस चीज को लेके हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है, और इस पे कई सारी याचिकाएं छोटी बड़ी मिल के, मतलब एक 3 जजों की बेंच इस पे सुनवाई कर रही है। अभी तक इसकी सुनवाई एक जस्टिस जॉर्ज मसी नाम से थे जो कर रहे थे, लेकिन अब उनकी होगी ट्रांसफर या प्रमोशन हो गई है, तो अब नए जज आ गए हैं इस बेंच के ऊपर। और नए जज में एक जस्टिस रितु भारी नाम से शायद कुछ है, जो इस बेंच को अब लीड कर रही है, मतलब जो इस बेंच जो कोर्ट में इस केस की सुनवाई कर रही है। अब जस्टिस रितु बारी ने 4-5 दिन पहले कोर्ट के अंदर एक बात बोली, बोलो कि डेरे के अंदर जाने वाले 85% लोग गरीब हैं, लोअर कास्ट के हैं और मूर्ख हैं भी, इनको पढ़े लिखे नहीं है, अकल नहीं है, अगर ये पढ़े लिखे हो तो ऐसे डेरों में ना जाए। और जब डेरे का मुखी जेल जा चुका है तो फिर डेरे के ट्रस्ट को क्यों ना खत्म कर दिया जाए, ये बात जस्टिस रितु बारी कोर्ट में बोलती है। उसके बाद क्या है, कोर्ट को सारा केस समझाने के लिए एक वकील अपॉइंट किया है, कोर्ट ने ही, उसका नाम है अनुपम गुप्ता, वो इस सारे मसले की पैरवी कर रहा है। जी बिल्कुल सही बात है, डेरे को खत्म कर देना चाहिए। मसला ये कि उनको तो सुनवाना था, उनको उनकी सुनवाई किस चीज पे हो रही है भी, इस दंगे में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करे, और बात कहाँ चल रही है, डेरे में कौन सी कास्ट के लोग आते हैं और कौन सी कास्ट के लोग नहीं आते, पढ़े लिखे आते हैं या अनपढ़ आते हैं, अमीर आते हैं या गरीब आते हैं, इस चीज को लेके हाई कोर्ट बहस कर रही है। अभी बहस कर रही है या हम जैसों को सुना रही है भी, तुम्हारे जैसों की कोई औकात नहीं है, हालांकि मेरे जैसा तो चलो दुनियावी तौर पे अपर कास्ट में आता है, लेकिन वो सुनाया किसको जाता है? कोर्ट कास्ट के बेस पे, आर्थिक तौर पे और पढ़ाई के बेस पे फर्क नहीं कर सकती किसी में, उसको सिर्फ नियम बना के दिए जाते हैं संसद के द्वारा और विधानसभा के द्वारा भी। आपको नियम दिए गए हैं, मान लो दो पक्ष जब कोर्ट में जाते हैं तो एक पक्ष कहता है भी इस नियम के अनुसार मैंने गलती नहीं की, दूसरा पक्ष कहता है जी इस नियम के अनुसार इसने गलती की है। अब जज जो है उसने इस बात की पढ़ाई करी है भी इस नियम के तहत तो कौन सी चीज गलत है और कौन सी सही है, और उसका काम है इस कुर्सी पे बैठ के उस नियम के तहत ये तय करना भी ये बंदा गलत है या सही है। सिर्फ इतना ही कोर्ट का काम होता है, और कोर्ट कोई भगवान नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। अब कोर्ट ये कह रही है, लेकिन अब आपको डेरे का भी पक्ष समझ में आना चाहिए, डेरा वहां क्या कर रहा है। कोर्ट में ये बहस चल रही है दबा के इस चीज के ऊपर, उसके बाद हर रोज, हर दूसरे दिन, 30-40 दिन या महीने बाद 1 घंटा 1.5 घंटा इसी चीज पे बहसबाजी होती है, रिजल्ट कुछ नहीं है। अब ये कोर्ट कहती है ना जी तो पुअर है,
इंटेलेक्चुअल नहीं है, अभी इनको क्या तुक्का, इनको पता नहीं है, बेवकूफ हैं, पीछे लग जाते हैं फालतू, क्यों ना डेरे को खत्म कर दिया जाए वगैरह वगैरह। चलो पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़े लिखे जज हैं, उनकी सोच उनके हिसाब से है, उनको लगता है भी उनकी कलम के हिसाब से दुनिया चलती है, बाकी दुनिया तो मूर्ख है। लेकिन डेरा क्या कर रहा है वहां बैठ के? अब आपको ये पता चले भी क्या हाई कोर्ट का सुनवाई करना भी सही है, क्योंकि देखो नियम होता है, कोर्ट सिर्फ नियम के हिसाब से चलती है, नियम से बाहर वो चाह के भी नहीं जा सकती। तो क्या हाई कोर्ट का ये सुनवाई करना भी सही है या नहीं? हाई कोर्ट का कहना है भी डेरे ने दंगा किया और दंगे में नुकसान किया और उसकी भरपाई डेरा करे, मतलब एक वकील का ये कहना है, अनुपम गुप्ता नाम के वकील का, भरपाई करे। लेकिन पंचकुला पुलिस ने जो दंगे की थ्योरी बनाई कि दंगा डेरा मुखी को भगा के ले जाने का था, उसमें कोई एफआईआर नहीं है। जिन लोगों ने साजिश करी उस साजिश का कोई सबूत नहीं है। जिन लोगों ने आगजनी करी उनमें से 80% लोग बरी हो गए हैं। इसका मतलब ये अभी तक एक भी व्यक्ति पंचकुला से संबंधित दंगे में उसे सजा नहीं हुई है, लगभग बरी हुए हैं सब। इसका मतलब ये है कि पंचकुला में जो दंगा हुआ ना तो उसकी साजिश डेरे में रची गई, ना डेरे से संबंधित किसी व्यक्ति ने वहां आगजनी करी, और जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा वो निर्दोष थे। तो पर हाई कोर्ट की सुनवाई किस ग्राउंड पर चल रही है? हाई कोर्ट क्या क्या ढोल पीट रही है भी हम मुआवजा का पैसा दिलवाएंगे? जिन लोगों से दिलवाना है पहले ये तो साबित करो भी इन्होंने साजिश रची है कि नहीं रची। इसका मतलब जब कोर्ट में एक नियम के अनुसार जिन्होंने साजिश रची उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर ये मुआवजा कैसे दिलवाएगी कोर्ट? दूसरा, ये तो चलो डेरे का मसला है, आपको पता होगा किसान आंदोलन हुआ 1 साल 1.5 साल हुआ, इस किसान आंदोलन में तीन कानून बनाए गए, और वो कानून किसानों को पसंद नहीं थे और उस किसानों ने उसका विरोध किया। विरोध करने के लिए लोकतंत्र में इजाजत है, भी विरोध करो, धरने लगाओ, सब इजाजत है। उन्होंने वो धरना जाके दिल्ली के बॉर्डर पे लगा दिया और लगभग साल 1.5 साल सबको ही पता है वो धरना चला। ये विरोध उन कानून को वापस करवाने का था, लेकिन इसमें टोल टैक्स वालों से क्या किसान की दुश्मनी थी? टोल टैक्स वालों ने किसानों का क्या बिगाड़ा था? तो उन्होंने क्या किया, अब टोल टैक्स बंद कर दिए हरियाणा और पंजाब के, रिलायंस कंपनी के मॉल या रिलायंस कंपनी के जो आउटलेट थे उन्हें बंद कर दिया गया, जो इस कानून से बेनिफिशरी थे, इस कानून के उनके मॉल उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद करवा दिए गए। तो क्या हाई कोर्ट चंडीगढ़ या हाई कोर्ट, क्योंकि हरियाणा पंजाब के दायरे में सब कुछ हो रहा था, तो क्या चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इस बात पे संज्ञान लिया कि रिलायंस का जो नुकसान हुआ या टोल टैक्स की कंपनियों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं ना लिया संज्ञान। अब बोलो जी रिलायंस कंपनी और टोल टैक्स वाले हाई कोर्ट गए ही नहीं, तो जिनकी ओबी वैन फूकी हैं, जिनकी गाड़ियां फूकी हैं, वो कौन सा हाई कोर्ट गए हैं पंचकुला दंगे के बाद? खुद से ही हाई कोर्ट संज्ञान ले रही है ना इस चीज पे, वो तो गए ही नहीं। उन तो लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है, मारा फलाने बंदे ने हमारे आग लगाई है, इसका मुआवजा दो, वो तो हाई कोर्ट गए ही नहीं। मसला ये कहने का मतलब ये है कि जब कोई कोर्ट आदेश पारित करती है, मतलब कल को आपको लगे भी हाई कोर्ट कह दे कि भाई ये जो मुआवजा है डेरे से वसूल लो, तो क्या कानून इसकी इजाजत देता है कि ये मुआवजा डेरे से वसूल लिया जाए? कानून इसकी इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि कोई भी कानून बैक डेट में लागू नहीं होता। मतलब आज अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे कि भाई ये वाला कानून इस तरह से चलेगा, तो 10 साल पहले उस कानून के तहत कोई गलती हुई हो तो आज बने कानून पे 10 साल पहले कानून सजा नहीं दी जा सकती। उदाहरण के तौर पे 2002 में बलात्कार के केस में सजा 10 साल की होती थी, लेकिन आज की डेट में इसे उम्र कैद में होती है। लेकिन क्योंकि ये जो 2002 का पिताजी पे केस बनाया गया, ये 2002 के टाइम का था, इसलिए उनको 10 साल की सजा सुनाई कोर्ट ने, 10 10 साल की, उम्र कैद नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि जो कानून बना वो निर्भया केस के बाद बना। इसलिए अगर आज हाई कोर्ट कह जाए भी डेरे से मुआवजा वसूल लो, तो 2017 के आसपास जाट आंदोलन भी हुआ और किसान आंदोलन भी हुआ, रामपाल वाला केस भी हुआ जो हिसार में,
और जितने भी केस हुए क्या सबसे मुआवजा वसूल लिया जाएगा। मेरा सब कुछ समझाने का मतलब ये भी जिस याचिका का फैसला आ ही नहीं सकता उस याचिका पे हाई कोर्ट 6 साल से बहस सुनी क्यों रही है। आपको ये चीज समझ नहीं है, जिस हाई कोर्ट जो फैसला हाई कोर्ट दे ही नहीं सकती वो उस चीज पे हाई कोर्ट 6 साल से बहस कर रही है 3 बड़े जजों को बिठा के। क्यों? तब जब गोली का ऑर्डर दिया हाई कोर्ट ने, उस गोली से लोग मरे जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने पिताजी को भगाने की कोशिश नहीं की, उन लोगों ने उन लोगों की वजह से पुलिस या किसी पंचकुला के नागरिक की जान आफत में नहीं आई। ऐसी कोई भी एफआईआर नहीं है जो किसी पंचकुला के नागरिक ने धारा 307 के तहत पंचकुला दंगे में दर्ज कराई हुई, मेरी जान आफत में आ गई जिस भीड़ की वजह से। मतलब ये कि 6 साल से सुनवाई किस लिए चल रही है और क्यों चल रही है और धंधा क्या है, ये आपको समझना है आज कि आखिर हाई कोर्ट में जो खेल चल रहा है ये किस लिए चल रहा है। आपको ध्यान हो कि पंचकुला दंगे के बाद डेरे के प्रबंधक जगह जगह बंद कमरों में मीटिंगें लेने पहुंच गए थे, खासतौर पर गुरु ब्रह्मचारी बहने। कह जी अमित शाह ने 400 से लेके 1200 करोड़, कहीं 400 करोड़ बोल दिया, कहीं 500, कहीं ऐसे करते करते 1200 करोड़ भी बोला है भी। इस इन अमित शाह ने 1200 करोड़ रुपया पिताजी से मांगा था इस केस में से निकलने के लिए, पिताजी ने मना कर दिया, इसलिए पिताजी को सजा हो गई, तो हमने ये पैसा पूरा करना है। तो उसके बाद संगत को इमोशनल ब्लैकमेल करके बेहिसाब पैसा लिया गया। दूसरे स्टेप पे जब आए तब बोले जी वकील ना फाइल पढ़ने के करोड़ों रुपया ले जाते हैं, तो वो फीस देने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो वो पैसा भी करोड़ों के, मतलब हर ब्लॉक से करोड़ों की गिनती में उठाया गया। ऑन एन एवरेज आप लगाओ तो करीब करीब अब तक 4 से 5 हजार करोड़ रुपया सात संगत से एडम ब्लॉक वसूल चुका है, लेकिन हाई कोर्ट जिस मसले पे बहस कर रही है उसे सिर्फ 300 करोड़ का फैसला करना है। भी 300 करोड़ का नुकसान कौन पूरा करेगा। अब आगे चलिए, अब जब इतना सब कुछ हुआ तो फिर जब हाई कोर्ट इसमें फैसला दे नहीं सकती, हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई कानून के तहत है ही नहीं, तो हाई कोर्ट में तथा कथित बड़े बड़े अनुपम गुप्ता जैसे वकील या जस्टिस रितु बारी जैसे मुद्दे से हटके डेरे को बंद करने की बातें क्यों करते हैं। डेरे को बंद कर देना चाहिए, ट्रस्ट खत्म कर देना चाहिए, अनपढ़ बेवकूफ लोग हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये सब क्यों चलता है। असल में क्या है कि ये धंधा है, ये बिजनेस है जो कोर्ट के जरिए चलता है, ब्लैकमेलिंग का बिजनेस। बिजनेस क्या है भी, हम संगत के दिमाग में डर क्या है भी, डेरा बंद हो जाएगा, पैसे दो वरना वकील को खरीदो, जज को खरीदो, डेरा चालू कराना है, बंद हो जाएगा, देखो जी कोर्ट ऐसी ऐसी बातें कर रही है, आपको आके डेरे के वकीलों की तरफ से 85 मेंबर 45 मेंबर प्रबंधक ये बातें सुनाएंगे जो कोर्ट में चल रही है, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं चल रही है। तो पिछले 6 साल से चल क्या रहा है, गोली चलवाई सरकार ने, पब्लिक को जबरदस्ती वहां पे पहुंचाया डेरे के प्रबंधकों ने, ऑर्डर दिया हाई कोर्ट ने, पैसों के लालच में गलत फैसला सुनाया सीबीआई की कोर्ट ने। मतलब क्या है, इस सारे चीज का हाई कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, सरकार, हाई कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट ना कहो आप, सूर्यकांत शर्मा कहो, सूर्यकांत शर्मा, जगदीप सिंह लोहान, हरियाणा सरकार और डेरा के प्रबंधक, ये चार पार्टी समझ लो, इन्होंने मिलके पंचकुला दंगा प्लान किया। और सूर्यकांत शर्मा के पीछे पॉलिटिशियंस को, आरएसएस को, बीजेपी को, और जगदीप सिंह लोहान के पीछे भी इनको आप गिन लो। ये कोई इंसान है, कोई भगवान नहीं है जो अलग से वेद शास्त्र पढ़ के आए होते हैं। तो क्या इनकी भी अपने निजी स्वार्थ हैं जिनको पूरा करने के लिए ये गलत फैसले सुना देते हैं। अब क्या है, इन लोगों ने जो किया, मतलब मजे की बात क्या है, जिन लोगों ने वारदात करवाई वही लोग ये फैसला करने बैठे हैं भी हमने भी वारदात किसने करी और उसका मुआवजा कौन भरेगा। मतलब हाई कोर्ट के बेंच ने ऑर्डर दिया गोली चला दो, उस गोली से बचने के लिए लोगों ने अगर मान लो हिंसा भी करी भी, हमें बचे कैसे इससे, भाग दौड़ में आगजनी हुई कुछ भी हुआ, तो
हाई कोर्ट ही वही वही बेंच ये फैसला कर रहा है अभी, इन लोगों ने जो नुकसान किया उसकी भरपाई कौन करेगा? खुद ही तो नुकसान करवाने का बेस बनाया और खुद ही उस पर फैसला करने बैठे हैं कि ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अब क्या है, क्योंकि इनके हिसाब से तो डेरे के अंदर अनपढ़ बेवकूफ गधे लोग हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है कानून के बारे में। डेरे के प्रबंधकों को वचन हुआ है ना पिताजी ने कहा, अभी ये जीरो है कानून के मामले में, हमको थोड़ी हुए। अब लेकिन अब तो हमें समझ आ रही है चीजें। असल में क्या है, हाई कोर्ट के जो सुनवाई है, लोअर कोर्ट का जो फैसला है, सरकार है और एडम ब्लॉक ये मिलके एक धंधा चलाते हैं जिसके जरिए संगत से पैसा उगाया जाता है। और जो 5 से 6 हजार करोड़ रुपया जो पिछले 6 साल में उगाया है, तो ये सिर्फ डेरा प्रबंधकों की जेब में नहीं गया, ये सबके अंदर बटता है। और अगर हाई कोर्ट इस तरह से लोगों को ना डराए, क्योंकि तो वो कौन सा नियम के तहत डरा रही है, अगर वो ना डराए तो फिर हमारे जैसे लोग डरेंगे ही क्यों, हम पैसा देंगे ही क्यों। अब क्या है कि हम भी वकील करते हैं, मान लो मेरे अपने पैनल में कम से कम 5 से 6 वकील हैं, सिरसा की कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के वकील हमारे पैनल में भी आते हैं। शुरू शुरू में जब इनको हमने पैनल में जोड़ना था तब हमें फीस देनी पड़ी हर बात की, मान लो मिलने गए हैं तो सलाह लेने की फीस। धीरे धीरे जब हमारा रेगुलर आना जाना हुआ तो 1-2 केस, 3-4 केस हमने दिए, उसमें फीस दी, तो धीरे धीरे क्या भाईचारा बन जाता है। भाईचारे के बाद आज आज की डेट में हम ऐसे वकीलों से आम संगत के वकील की, आम संगत के केस की भी राय फ्री में ले लेते हैं। अब डेरे में आपने देखा होगा सैकड़ों की तादाद में वकीलों के कैंप में वकील आते थे, लेकिन डेरा फिर भी सलाह लेने के करोड़ों रुपया किसको देके आता है? और अगर देके आता है तो फिर वो वकील कोर्ट में कहाँ है, वो करोड़ों वाले वकील? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में महंगे से महंगा वकील भी एक पेशी के 15 लाख रुपए लेता है, महंगे से महंगा। तो फिर डेरे के पास ऐसा कौन सा वकील है जो हर पेशी के 3-4-5 करोड़ ले जाता है? इंडिया में सबसे महंगा वकील 50 लाख से ऊपर का नहीं है एक पेशी का, तो डेरा ऐसे कौन से वकील को लिए बैठा है जो 2-2-4-4 करोड़ रुपए लेते हैं? मतलब क्या ये बिजनेस है जिसमें हाई कोर्ट का डंडा चलता है, दिखता है, चलता नहीं है, दिखाया जाता है, सरकार साथ देती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, भी हाई कोर्ट की जज रितु बारी बोलती है कि हमारे पास इनकम टैक्स की तरफ से बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, भी डेरा 2 नंबर में पैसा उगा रहा है। मतलब क्या है कि अब आप सोचो कि तमाशा कहाँ चल रहा है। पहला तमाशा ये चल रहा है भी खुद ही तो लोगों को मरवाया, खुद ही उस पर सुनवाई करने बैठ गई, फिर खुद ही उसका डर बिठा के लोगों से पैसा उगाया जा रहा है, फिर खुद ही बोल रहे हो यार ये पैसा उगाया जा रहा है, हमारे पास शिकायत आ रही है। मतलब आपको लगे भी यार हम जैसे लोग डेरे में आने वाले अनपढ़ बेवकूफ हैं, या जज की कुर्सी पे बैठने वाले जज बेवकूफ हैं, या फिर ऐसे केसों में पैरवी करने वाले अनुपम गुप्ता जैसे वकील बेवकूफ हैं? मतलब आप खुद समझो ये कौन बेवकूफ है। ये चीज चल रही है, ऐसा नहीं है भी हाई कोर्ट में या कोर्टों में अच्छे लोग नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बुरे लोग नहीं है, दोनों तरह के हैं। आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ जो पिछले 6 साल में हमने देखे, एक के मतलब जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। आपको ध्यान हो 2019 में हमने मेरी तरफ से एक पिटीशन फाइल हुई थी कि पिताजी की सिक्योरिटी को लेके जेल के अंदर, तो उसमें एक जज था अमोल रतन सिंह, अमोल रतन सिंह एक जज था, तो वो सुनवाई कर रहा था। अब सुनवाई करते करते वो बहुत कुछ ऐसा बोल गया जो नहीं बोलना चाहिए था, उसके बाद उसने अपना ही बयान, एक झूठा बयान कोर्ट में दे दिया। उसने कहा जी मैं खुद जाके जेल में सारी तसल्ली करके आया हूँ। उसके बाद जेल से एक फालतू का बयान आया, वो सारे चीज क्या है कि वो तो क्या हमारा वकील ही घटिया था, लेकिन क्या है कि चलो जैसा भी था उस टाइम हमें तो वही बढ़िया लगता था। तो क्या है कि बयान वगैरह आया तो उसने क्या किया, अभी संगत को डराने के लिए कि दोबारा कोई ऐसी पिटीशन ना लेके आ जाए, 50 हजार रुपये फाइन लगा दिया। अब लगा तो दिया, पर उसको कोर्ट में सुना भी आए खरी खोटी कुछ लोग। उसके बाद क्या हुआ, उसकी हालत क्या है, मतलब उसके बाद क्या हुआ, उसको एक बीमारी लग गई, और बीमारी लग गई नींद ना आने की। जिस चैन की नींद सुख साधन के लिए उसने अपना जमीर बेचा, गलत बयान कोर्ट में दिए, वही चैन नींद छिन गया उससे। जब छिन गया तो
दवाइयाँ इंजेक्शन लेके बड़ी मुश्किल से सुलाया जाने लगा उसे। कोर्ट में वो जज आता 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, पर रात को शाम को 7-8 बजे तक बैठा रहता। क्यों, नींद नहीं आती, सोएगा क्या करेगा जाके? तो जब 8 बजे तक जाएगा फिर जाके इंजेक्शन लगेंगे, सोएगा। अब तो रिटायर हो गया, अब सोने की कोशिश करता है, सोया नहीं जाता। अब जिस ऐश परस्ती के लिए, जिस सुख सुविधा के साधन लेने के लिए उसने अपना जमीर बेचा, वो सुख सुविधा ही छिन गई, सो ही नहीं सकता। तो अब हाई कोर्ट बताए भी कौन से पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग मिलके इस जज का सुधार कर देंगे, ये कौन सी तकनीक है, और कौन से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस जज की नींद वापस लौटा सकता है, और कितने पैसे की उसके पास कमी है जो वो डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। कॉमन सी बात है, ये चीज क्या है, ये समाज, ये धर्म है, ये ज्ञान ऐसी चीज है जो हाई कोर्ट से नहीं मिलता। और आप पूरी दुनिया का इतिहास उठा लो, आपने किसी महान व्यक्ति में किसी महान दायित्व के लिए किसी हाई कोर्ट के जज का नाम सुना है, या किसी सुप्रीम कोर्ट किसी भी जज का नाम? ये जज ना होता तो इतिहास में ये चीज कायम ही ना होती, मतलब इतिहास में ये महानता मिलती ही ना। हमेशा जज का जिक्र इतिहास में जब भी आया तब बुरे रूप में ही आया, भी ये जज क्रूर था, ये न्याय देने वाला बंदा बिका हुआ था, चाहे वो राजा की फॉर्म में था, चाहे वो जज की फॉर्म में है। आप हम डेमोक्रेसी में क्या गई, तो हमेशा ये जिक्र ऐसे ही आया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई कोर्टों के इतिहास नहीं होते, इतिहास सच और झूठ के होते हैं, और सच होता है जो ईश्वर की सत्ता के लिए सत्ता को स्थापित करता है, और झूठ जो मोदी जैसों की, खट्टर जैसों की सत्ता को स्थापित करता है। तो हाई कोर्ट क्या, हाई कोर्ट एक मोहरा है, कठपुतलियां हैं जो मोदी और खट्टर जैसों की उंगलियों पर नाचने वाली। हमें किसकी सत्ता में जीना है, ईश्वर की सत्ता में। जीत जब होगी तब ये सारा इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा कि कौन से जज ने क्या किया, किसने कैसी सोच रखी है। ऐसा नहीं है कि किसी का डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन इतिहास हाई कोर्ट नहीं लिखती, इतिहास संघर्ष करने वाले लोग ही लिखते हैं, और संघर्ष में जीतने वाले लोग ही लिखते हैं। लेकिन संघर्ष अच्छाई बुराई का होता है, हक की लड़ाई का भी संघर्ष नहीं होता, मतलब इतिहास नहीं होता, इतिहास सिर्फ अच्छाई और बुराई का होता है, धर्म और अधर्म का होता है। तो कुछ किस्से आपको सुनाता हूं। एक केस लगाया हमने हाई कोर्ट में, उस केस का जो जज था उसका एक रिश्तेदार आया मेरे पास, ये कह लो मैसेज भेजा उसने मेरे पास भी मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी मिल लेते हैं। जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे बोला जी आपकी तरफ से एक रिट लगाई गई है, एक पिटीशन लगाई गई है, इसका फैसला क्या चाहते हो आप? मैंने कहा जी हम तो इस तरह से चाहते हैं। बोले जी ऐसा है भी, मैं ये फैसला दिलवा सकता हूँ, इतने पैसे लगेंगे, आप कौन? बोला जी मैं इस जिस जो जज इसकी सुनवाई कर रहा है उसका रिश्तेदार हूँ। करते करते मैंने कहा ठीक है, जज का रेट पता करके दो। तो उसने मेरे से हफ्ते का टाइम लिया और तरीके से जज का रेट पता कर दिया। एक बड़ी सी पार्टी में पूरी सेटिंग बैठी और जज का रेट निकल के सामने आ गया, और कंडीशन ये भी, जैसा हम कहेंगे वैसा फैसला जज सुना देगा। अब सारा कुछ करने के बाद हमने क्या किया, पैसे देने से मना कर दिया, अभी हम नहीं देते। मतलब जज तक ये बात पहुंच गई भी, हाँ मेरा रेट भी लग गया, सब कुछ हो गया, और मैंने पैसे देने से कर दिया मना भी। हमारे पास पैसे कहाँ से होने थे, उन्होंने तो करोड़ों की डिमांड की थी। हमने कहा जी हम नहीं पैसे देते। अब अगली सुनवाई पे जब जज के सामने वकील पेश हुआ तो जज बिल्ली बना हुआ था, जज ऐसे पेश आ रहा था जैसे वकील तो जज है और जज वकील है। फिर धीरे धीरे वो टालने लगा, तो आखिर उसने क्या किया, उस याचिका से अपना नाम वापस ले लिया। बोला ये दूसरा जज इसका फैसला सुना दे। दूसरे जज ने फैसला जैसे जैसे सुनाना था वो सुना दिया। एक तो ये केस हुआ, एक और केस था, एक हाई कोर्ट का जज था, रिटायर होने वाला था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। दिल्ली के अंदर हम किसी बड़े से नेता के या बड़े से फंक्शन में कह लो थे उसके आसपास, तो उस जज ने हमारे को एक ऑफर भेजा, एक बड़े से वकील के जरिए एक ऑफर भेजा भी, मुझसे मिलो। बात करने पे पता चला भी वो जज साहब कह जी मेरी रिटायरमेंट में 6 महीने रह गए, इतने करोड़ रुपए दोगे तो बाबा जी को मैं जमानत दे दूंगा,
6 महीने सरकार मेरे को भेज देगी केरला आसाम की किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करके, सजा के रूप में मैं काट लूंगा, मंजूर हो तो देख लो। तो अब हमें तो मंजूर था नहीं कि भाई रिश्वत के इस तरह से काम कराना, क्योंकि हमें तो सच स्थापित करना है, हमें कोई सच को खरीदना थोड़ा ही है। एक और केस आपको सुनाता हूँ, एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, जो मेरी आंखों के सामने जो चीजें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, एक आदमी के ऊपर केस था, करीब करीब 10 से लेके 15 मर्डर का। उसकी जमानत पे सुनवाई होनी थी और वकील ने जज खरीद रखा था, सेटिंग कर रखी थी। अब जब सेटिंग कर रखी थी तो जज वकील जो था, उस दिन क्या हुआ, ये सब मेरी गाड़ी में चल रहा था सब कुछ, और मैं उस टाइम गाड़ी चला रहा था। उस दिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में उस जज की ड्यूटी फुल बेंच पे लग गई, 3 जजों के बेंच पे, और उसमें वो जज जूनियर था, बड़ा जज कोई और था। लेकिन उसी दिन उस व्यक्ति की जमानत पे भी सुनवाई होनी थी, तो वो चलेगी बड़े बेंच पे। अब बड़ा जज बैठा है तो छोटा जज सेटिंग करे बैठा, तो फैसला कैसे दे। तो अब तिकड़म चल रही है भी इस जज से केस इस सुनवाई से टला कैसे जाए। तो उस तिगड़म लड़ाई गई मेरी आंखों के सामने, तो उसने कहा, जज ने भी सारी सेटिंग हुई भी है, सुनवाई आज किसी भी तरह उसने टाल दी। और फिर 15 दिन बाद वो सुनवाई दोबारा रखी गई, और जैसा वकील जेल में बंदे को फोन करके बता रहा है कि 15 दिन बाद दोबारा की सेटिंग हो गई, और 15 दिन बाद 10 से 15 मर्डर करने वाले बंदे को बेल मिल जाती है, मतलब आरोपी को, किए कि नहीं किए तो पता नहीं। अब ये तो है भ्रष्ट। इसके अलावा भी बताता हूँ, एक गृह मंत्रालय का बड़ा सा अफसर आया, बोला जी हम करा देंगे आपकी सेटिंग। फिर उसने उससे बड़े अफसर से मिलाया, उसने उससे बड़े से मिलाया, करते करते जहां आप सोच सकते हैं अभी यहां तो अफसर नहीं बिक सकता, वहां तक पहुंच गए। और फाइनली फिर बड़ी सी लिस्ट आ गई रेट की, तो फिर हमने मना कर दिया। असल में क्या है कि इस दौर में हमने ये चीज समझी भी, जो हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट है वो दो तरह से चलती है। एक तो कोर्ट है भी जब उसने फाइनल फैसला देना होता है तब उसको नियम पढ़ना होता है, दूसरा होता है उसको बीच के अंदर कुछ रिलीफ देना होता है, भी चलो यार थोड़ी राहत दे दें, जैसे जमानत दे दी, जैसे किसी कार्रवाई पे स्टे लगा दिया, ये होता है रिलीफ देना बीच में। ये कोर्ट की अपनी मर्जी पर निर्भर होता है भी रिलीफ दे या ना दे, इसके लिए कोई कानून नहीं मायने होता, बस अपने अपने अपना जो कोर्ट को लगता है भी देना चाहिए तो कोर्ट दे सकती है, नहीं लगता तो नहीं दे सकती। ये वाले पोर्शन के अंदर, कोर्ट के अंदर धंधा बहुत चलता है, जो बीच का रिलीफ देने में, सुनवाई डिले कर दो, 6 महीने लेट डाल दो, किसी दूसरी पार्टी को डराने के लिए नंबर लेट आ जाए, इस छोटी छोटी चीजों में पैसा कोर्टों में आम चलता है। मतलब कोर्ट के मामले में कहावत है कि कोर्ट की हर ईंट पैसा मांगती है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आओ ईमानदार जजों की तरफ, उनसे भी हमारा वास्ता पड़ा, कुछ का हमारा फैमिली रिलेशन है, मतलब फैमिली लिंक्स थे कईयों से। तो एक जज था, उसने आज से 10 साल पुरानी लगभग बात है, 10-12 साल, उसने कोई ऑर्डर दिया उस टाइम, ऑर्डर क्या है, कोई बीच का ऑर्डर था, उसकी ड्यूटी लगी किसी कोर्ट में, तो उसने वो ऑर्डर देने के खिलाफ एक तरह से दिया कोई ऑर्डर। तो क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे, हमारे लिंक्स थे उस जज से, तो हमने बातचीत रखी, आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, हमने बातचीत रखी जज के सामने कि ये आपने ये ऑर्डर ऐसे दिया है, तो जज दे रहा इस तरह काम करता है, इस तरह करता है। वो जज कहता है जी मुझे भी पता है भी ये डेरा सही है, लेकिन क्या है कि मेरा काम है नियम के अनुसार फैसला देना, नियम पढ़ना, मुझे जो नियम लिख के दिए गए हैं उस नियम के तहत मुझे फैसला देना है, और डेरे का वकील अपने पक्ष के नियम बताएगा ही नहीं, तो फिर उसके पक्ष की सुनवाई होगी कैसे, उसके पक्ष में सुनवाई होगी क्यों, जब एक वकील एक नियम का नियम की दुहाई दे रहा है भी इस नियम के तहत ये चीज गलत है, जब दूसरे वकील उसकी काट नहीं कर रहा कि भी ये नियम ऐसे पढ़ा जाए, या जो नियम सबूत वो दे रहा है उस सबूतों की वो काट नहीं कर रहा, तो मेरा काम तो नियम अनुसार फैसला देना है। मुझे फिर भी पता है भी डेरा निर्दोष है, लेकिन जो
मेरे टेबल पे चीज आई है, उस मेरे को तो सिर्फ उसके हिसाब से चलना है। आप डेरे को बोलो भी डेरा वो चीज ला के दे दे, मैं डेरे के पक्ष में बोलूंगा, डेरे के पक्ष में फैसला सुनाऊंगा। अब मेरे जैसे ने गलती कर ली एडम ब्लॉक को बोलने की कि भाई जी मैंने तो भाई जज से पूछा व्यक्तिगत तौर पे, भाई आपने डेरे के पक्ष के सबूत नहीं दिए, क्यों? अब आग किसको लगेगी आपको समझ ही आ जाएगा। तो फिर बोलते हैं जी डेरे से निकाल दिया गया, क्यों? क्योंकि तो प्रबंधक ही तो सारा काम करवा रहे हैं, वकील बोलने के पैसे थोड़े लेते हैं, वकील ना बोलने के पैसे लेते हैं। अब एक और लेडी जज थी, आज से 7-8 साल पुरानी बात है, एक और लेडी जज थी, तो उससे किसी फैमिली फंक्शन में मिलना हुआ और चल पड़ी ईमानदारी की बात। तो जज पता नहीं अब वो लेडी जज है या नहीं है हाई कोर्ट में, या किसी और कोर्ट में चली गई होगी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में थी। तो वो मेरे को समझाने लगी, ऐसे जब मैं भी साथ ही बातचीत में डिस्कशन में इन्वॉल्व था, भी कैसे कोर्ट में ईमानदार लोग आते हैं, कैसे ईमानदार जज आते हैं, और कैसे ईमानदारी के असूल काम करते हैं और कैसे बेईमानी के असूल काम करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया भी ऐसे ऐसे केस हमारे पास आते हैं और किस तरह से सरकार का दबाव भी आता है, सब कुछ आता है। तो लेडी जज थी, फिर एक और जज था, वो शायद एक्सपायर हो गए, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, तो वो एक्सपायर हो गए। उस जज ने क्या किया, जाट आंदोलन के टाइम पे उस जज को किसी व्यक्ति ने सबूत मुहैया कराए भी जाटों के पक्ष में, भी जाट आंदोलन में भी सरकार कहाँ गलत थी और जाट कहाँ सही थे, और कैसे सरकार ने जाट आंदोलन की आड़ में कितना कुछ गलत किया है। उस वकील जज ने अपने स्तर पे, जबकि उसकी ड्यूटी नहीं थी, फिर भी एक आम इंसान की हैसियत से अपने स्तर पे अलग अलग लोगों की मदद से बहुत सारे किस्से ऐसे उठवाए, क्योंकि उस जज को भी हम बहुत पर्सनली बहुत करीब से जानते हैं, अब तो वो एक्सपायर हो गए। इस तरह से मुद्दे उठवाए ताकि जाटों के खिलाफ कोई अन्याय ना हो जाए कोर्ट में, लेकिन क्यों, वो खुद एक ऐसी पोजिशन पे था जहां वो खुद इस मुद्दे को हाई कोर्ट के बतौर जज डायरेक्ट नहीं उठा सकता था, लेकिन क्योंकि किसी ने भरोसा करके उस तक वो सबूत पहुंचाए, हालांकि वो सो मोटो करके उठा भी लेता, लेकिन क्या है कि वो राजनीति को भी समझता था, भी राजनीतिक प्रयोग जो बीच में चल रहा है उसको भी समझता था, इसलिए उसने बड़े तरीके से जाटों के पक्ष में सारा काम करवाया। ऐसे भी जज हुए, ऐसा नहीं कि जजों में अच्छे नहीं है, लेकिन क्या है कि इंसान ही है। अब क्या है कि आप ये भूल जाओ भी हाई कोर्ट की किसी कलम से इतिहास बदला जाता है, अदालतों की या न्याय देने वाले लोगों की जब कलम गलत चली है ना, तभी नया इतिहास उभर के सामने आया है। सही कलम चलाना उनकी ड्यूटी है, उनका कोई मतलब संघर्ष नहीं है कि हमें सही कलम चलानी पड़ेगी या संघर्ष करना पड़ेगा, ये उनकी ड्यूटी है, इसी चीज की तनख्वाह मिलती है। ये नहीं है भी चार लोग कोर्ट में खड़े होके अगर उनको माई लॉर्ड कह दे तो वो सच में भगवान हो गए, ये तो वहां का प्रोटोकॉल है, अभी लोग कह देते हैं चापलूसी में जज की कि माई लॉर्ड, वो कोई असल में भगवान नहीं है, वो तो न्याय देने वाले को कह देते हैं मैं भगवान मान के कंसिडर करते हैं, तो इंग्लिश की भाषा है, अंग्रेजों ने दे दी माई लॉर्ड की भाषा, तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो हाई कोर्ट में जो तमाशा चल रहा है वो तमाशा आपको हम समझा रहे हैं कि कोर्टों में तमाशा होता कैसे है, और ये तमाशा हमने बहुत करीब से देखा है ये कैसे चलता है, और जो चल रहा है वो भी आपके सामने है। अब जब ये इतिहास लिखा जाएगा सारा, तो आपको इसमें एक एक चीज आएगी, ऐसा नहीं है कि डेरे के लोग अनपढ़ बेवकूफ हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। जब इतिहास लिखा जाता है, गंगू ब्राह्मण का नाम आपने सुना होगा, जब गंगू ब्राह्मण का नाम आप सुनोगे, तो सिखों का जब इतिहास लिखा गया तो उस गंगू ब्राह्मण की पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को पता था भी अच्छा ये गंगू ब्राह्मण की औलाद है, ये उनके बंचे जागे, और उनको उसी निगाह से देखा जाता था। और हजूर पिताई के किस्से को हमने आपको कई बार बताया भी, कैसे एक गुरु को जिनको गरम तवे पे बिठा के उनके सिर पे गरम रेत डाला गया था, नाम मेरे को शायद याद नहीं उनका, गुरु अर्जुन देव जी थे या कोई और थे, तो जिस व्यक्ति ने उस रेत को गरम करने के लिए आग लगाई थी, उसके वंशज को दर्शन ना देने पड़े, इसके लिए हजूर पिताई ने मजलिस कैंसिल कर दी थी, मेरे ख्याल बुद्रवाली में या कहीं बरनावा में, बुद्रवाली में।
तो अंदाजा लगाओ भी इतिहास कैसे बनता है। आने वाला इतिहास आपको जगदीप सिंह लोहान के सारे वंश का डिटेल देगा, इतिहास आपको सूर्यकांत शर्मा के पूरे खानदान की डिटेल देगा, ताकि जब इनके पूर्वज, इनके वंशज जो भी इस धरती पे आने वाले समय में जिएंगे, तो वो पूरी दुनिया के किसी कोने में जिए, धरती पे तो रहेंगे, चांद पे तो जीने से रहे, तो वो इस पहचान के साथ जिएंगे भी उनके वंशजों में ऐसे अत्याचारी जज भी पैदा हुए। फिर उन वकीलों का भी इतिहास आएगा जिन्होंने इस सच को खत्म करने की कोशिश की, चाहे वो अनुपम गुप्ता हो, चाहे वो एबीसीडी कोई भी हो। हर उस जज का, उसके परिवार वालों का, सबका नाम, सबकी डिटेल आपको मिलेगी इस इतिहास में। कोर्टों के इतिहास नहीं होते, सच्चाई के इतिहास होते हैं। मतलब क्या है कि आप अंदाजा लगाओ भी एक जगदीप सिंह लोहान के स्वार्थ ने, बाकी तो चलो बड़े लेवल का, क्योंकि असल काम तो उसी ने किया ना, उसके एक स्वार्थ ने हजारों लोगों की नौकरियां छीन ली, हजारों घर बर्बाद कर दिए, बेरोजगार हो गए, आमदनी खत्म हो गई, और वो मतलब पैसे पैसे को मोहताज हो गए, जैसे लाखों लोगों की जो मतलब इज्जत या धार्मिक भावना या कह लो धार्मिक आस्था वो खत्म करी। क्यों? क्योंकि तो जगदीप सिंह लोहान को लगता था भी मनोहर लाल खट्टर या नरेंद्र मोदी जैसा शासक उसको भाई साहब गोल्ड मेडल देगा या कोई बड़ी प्रमोशन मिल जाएगी, जैसे सूर्यकांत शर्मा को मिली। फिर हमने इस चीज पे भी रिसर्च की, भी किसी पुलिस वाले ने हमें समझाया कि सरकारी तौर पर जब भ्रष्टाचार होता है, आज तो हम आसानी से समझ लेते हैं, मणिपुर की घटना का वीडियो आया तो साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल की घटनाएं मीडिया में क्यों आई, ताकि मणिपुर से ध्यान हट जाए। आमतौर पर कोई एक अपराध है, उसको छुपाने के लिए दूसरे अपराध की घटनाएं आ जाती हैं। इसी तरह 2017 में एक नशे ड्रग माफिया को लेकर एक रिपोर्ट बनाई गई थी, और ये रिपोर्ट जब हाई कोर्ट में गई तो कहा जाता है भी इस रिपोर्ट के ऊपर ताला लगाने वाला जो जज था वो भी सूर्यकांत शर्मा ही था, और इस रिपोर्ट की ओर किसी का ध्यान ना जाए, इसीलिए पंचकुला दंगा प्लान किया गया था। और उसके बाद पंचकुला दंगा में गोली का ऑर्डर देने वाला भी यही जज था, फिर इस जज को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया भी गया। तो अगर भ्रष्टाचार की कड़ियां जोड़ोगे और अगर इस चीज की तरफ जांच देखने जाओगे, तब आपको समझ में आएगा भी अदालत जब अन्याय चरम सीमा पे होता है, यूं ही नहीं लिखा पिताजी ने भजनों में, बिन न्याय की कुर्सी पे बैठ के अन्याय की कलम चलाएं, लेकिन क्या है उनकी हालत फिर अमोल रतन सिंह जैसी होती है, ना जीने में, ना मरने में, ना सोने में, ना जागने में, तो ऐसे ही है। और ये एक नहीं है, आप अगर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के, जो खास तौर पे जिनका करप्ट करेक्टर रहा है, सबको पता होता है हाई कोर्ट में कौन सा जज कितना करप्ट है। एक हाई कोर्ट की, चंडीगढ़ हाई कोर्ट तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बदनाम है करप्शन में। एक हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जज राजस्थान हाई कोर्ट में चली गई, तो एक महीने बाद राजस्थान हाई कोर्ट के वकीलों को धरना लगाना पड़ गया कि भैया इस जज को हटाओ, तो सारा पूरी कोर्ट बेच खाएगी। ये इज्जत है चंडीगढ़ हाई कोर्ट की पूरी इंडिया में, उनको लगता है भी दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी। वो क्या बोलते हैं कोर्ट में कि जी अगर देश में कहीं और दंगा हुआ तो पुलिस के पास प्रोटोकॉल तो होना चाहिए, भी कैसे काम करेगी, मतलब खुद ही तो गोली मरवाइए, खुद ही प्रोटोकॉल बनाने पर तले भी, मतलब उनको लगता है यार वो दुनिया में वही समझदार पैदा हुए, बाकी सब बेवकूफ पैदा हुए। तो खैर ये सारी चीजें आपको आज इसलिए बताई हैं भी आपको पता होना चाहिए भी डेरे के नमूने वकील वहां पे करते क्या हैं, और वो क्या कर डेरे के वकील क्या करते हैं, हर रोज एक ने उनके दो चपरासी हैं, एक हरीश छाबड़ा और एक जितेंद्र खुराना, जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट बोलता है कहने को, लेकिन ये दोनों चपरासी हैं, ये हर बार नया वकील पकड़ के ले आते हैं कोर्ट में। कॉमन सेंस है भी जब आप किसी भी वकील से पैरवी कराओगे तो एक ही वकील को बार बार लेके आओगे, ताकि उसे पता हो कि पैरवी में क्या चल रहा है, लेकिन अब इनको तो हर बार नया लेके आना है, क्यों, दिखाना भी तो है पैसे जो मांग रहे हैं पीछे संगत से, वे वकील नया नहीं दिखाएंगे, हर बार नया नाम नहीं आएगा तो दिखाएंगे कैसे भी कितने वकील आए हमारी तरफ से। तो क्या है, ये तो दोनों चपरासी बन के पीछे खड़े होते हैं, हर बार कोई नया वकील ले आएंगे, कभी गंजा, लंबे बाल वाला, अजीबोगरीब मुंह वाला, बूढ़ा, जवान, बड़ा, छोटा, ताकि, और करना उसने कुछ नहीं, उसने बैठ के उठ के वहां आ जाना है, जो जज बोलेगी ऐसे ऐसे करके बेइज्जती करा के आ जाना है, और इस काम के उसको करोड़ों रुपए, उसको देते हैं कि नहीं देते, पर संगत से करोड़ों रुपया तो ऐंठ ही लेते हैं। तो आपको आज ये चीज समझा रहे हैं भी धर्म के नाम पे, जो ये
पंचकुला दंगे की सुनवाई के नाम पे जो धंधा चल रहा है सबका मिली भगत से, उस धंधे में कोर्ट का क्या रुख है, प्रबंधक कैसे हैं? अब नकली वाला तो कोई नया ही नमूना लेके आ गए, ये तो चलो इसको इस चैप्टर में तो इसको घंटा ही नहीं कुछ पता होगा, इन तो अपना नौटंकी अलग जारी करनी है, ढोल पीटने है और वही करना है। इसके अलावा चलो आपको ये तो कोर्ट से संबंधित जानकारी है, कुछ लोगों ने लिल्ली इंसान भाई जिनकी माँ शहीद है उनके बारे में जानकारी मांगी थी, तो उनके बारे में आपको 5 मिनट के अंदर जानकारी दे देते हैं। लिल्ली इंसान भाई जो थे वो डेरा के अंदर सतब्रह्मचारी थे और मानसा के आसपास किसी गांव में रहने वाले थे, गांव के रहने वाले थे। तो क्या हुआ, उसके बाद उनके शायद बड़े भाई की डेथ हो गई और इसलिए उनके माता पिता की संभाल करने वाला कोई नहीं रहा, तो उन्होंने पिताई से अर्ज की भी लिल्ली इंसान को वापस भेज दिया जाए। तो लिल्ली इंसान को वापस ले आए वो अपने घर, फिर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई करके वो नहरी महकमे में इरीगेशन डिपार्टमेंट में शायद पटवारी की नौकरी लगे, और फिर उन्होंने एक मंदरा मंदरा नाम से गांव है पंजाब में मानसा में, वहां पे वो रहते थे। और मंदरा गांव की संगत के जरिए बहुत जोर शोर से नशा छुड़ाने का या इस तरह का अभियान बहुत जोर शोर से चलाते थे, मतलब कह लो भी बहुत एक्टिव थे सेवा के काम में। उसके बाद क्या हुआ कि 2007 में अकाल तख्त ने एक फतवा जारी कर दिया, डेरे के किसी नाम चर्चा को होने नहीं देना। वो हालांकि उनकी अपनी बेवकूफी, उन लोगों की, वो किस नेता की गुलामी में किया वो मसला एक अलग है, लेकिन क्या है कि अब अपने प्रबंधक तो दुबक के बैठ गए, लेकिन लिल्ली इंसान का ये मानना था भी अधर्म, चाहे वो अकाल तख्त की मंच से ही हो रहा था, लेकिन अधर्म अधर्म ही होता है, कई बार धर्म के मंच से भी अधर्म चलता है। तो अकाल तख्त ने तो बहुत बार किया है, छोड़ो उनके तो किस्से इतने हैं कि क्या ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा भी अधर्म अधर्म ही है, चाहे कहीं से चल रहा हो तो उसका विरोध करना एक मतलब सच्चे शिष्य का धर्म है। उसने कहा जी मेरे गांव में नाम चर्चा बंद नहीं होगी, तो उन्होंने नाम चर्चा को जारी रखा। तो नाम चर्चा के अंदर जो जो उस गांव के जो अकाल तख्त के नुमाइंदे थे उस गांव में, उनको ऑर्डर आया भी ये नाम चर्चा बंद कराओ, तो उन्होंने डराना धमकाना शुरू कर दिया, तनाव बढ़ता गया। तो प्रबंधकों ने क्या किया, लिल्ली इंसान को झूठ बोल दिया कि भी पिताजी ने हुक्म किया है भी नाम चर्चा बंद कर दो। अब लिल्ली इंसान ने, हालांकि पिताजी ने हुक्म नहीं किया था, लिल्ली इंसान ने प्रबंधकों की बात को सच मान के नाम चर्चा को तो बंद कर दिया, लेकिन सेवा कार्यों को जारी रखा। तो ऐसे में एक दिन उनके घर पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हुए थे सेवा कार्यों को लेके, तो उनके घर को अकाल तख्त के आदेश पे कुछ उपद्रवियों ने घेर लिया, और घेरने के बाद उन्होंने अपने बचाव में प्रबंधकों को फोन किए भी इस तरह से हमारे घर को घेर लिया गया है और हमारे घर में लोग छतों से घुस रहे हैं। तो सभी प्रबंधकों ने अपने फोन बंद कर लिए, बोला तुमने किया तुम भुगतो, तो तुमने तुम्हें कहा था तुम सेवा कार्य बंद कर दो, तुमने क्यों नहीं किए? तो करते करते क्या हुआ, वहां उन्होंने अपने बचाव में जो कुछ भी किया उसके बदले में 15 से 20 लोग वहां मौजूद थे, लेकिन मुकदमा सिर्फ और सिर्फ लिल्ली इंसा पे दर्ज हुआ और लिल्ली इंसा को जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने के बाद कुछ लोगों का नाम जब और सामने आया, तो उसमें जैसे एक तरसेम नाम का आदमी था वहां पे उसी गांव का, तो उसने कहा जी मुझे बचाओ वरना मैं तो प्रबंधकों का नाम ले दूंगा। तो प्रबंधकों ने क्या किया, उसको बैक डेट में सच कहूं का पत्रकार बना दिया और कोर्ट में बोल दिया जी ये तो पत्रकार की हैसियत से वहां पे गया था, ये कौन सा वहां पे डेरे के पक्ष से गया था। तो ऐसे करते करते सभी लोगों ने लिल्ली इंसान का साथ छोड़ दिया और लिल्ली इंसान के अकेले के ऊपर मुकदमा रह गया और वो जेल में डाल दिए गए। डेरे के किसी वकील ने लिल्ली इंसान की जमानत करवा नहीं करवाई और डेरे के प्रबंधकों ने लिल्ली इंसान की जमानत करवाने से इनकार कर दिया। ऐसे में क्या है कि कुछ तत्व ऐसे भी थे जो डेरे का जो भी बंदा डेरे मतलब डेरे पे भरोसा रखता हो और डेरा उसका साथ छोड़ दे वो उसको अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तो ऐसे ही एक वकील है, उसने हमें भी खींचना चाहा था, तो उसने लिल्ली इंसान की जमानत करवा दी। हालांकि वो डेरे का पक्षकार, डेरे के विरोध में था, डेरे के पक्ष का नहीं था। तो लिल्ली इंसान की जमानत करवा दी। उसके बाद लिल्ली इंसान रूटीन में अपनी पेशी भुगतने जाया करता, तो इसी तरह किसी एक उसी केस की पेशी भुगत के एक बार वो वापस आ रहा था, तो उसको रास्ते में घेर के लिल्ली इंसान को गोलियां मार दी गई और उनकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद क्या हुआ कि
हंगामा तो होना ही था, हंगामा हुआ और अगले दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ। आज के दिन ही हुआ था, 28 जुलाई को, और उनका अंतिम संस्कार हुआ। और उन अंतिम संस्कार में लीलिन शाह के दो छोटे बच्चे थे, तो उनकी एक बेटी ने वहां एक भजन सुनाया। मतलब उनका जो परिवार का रुख था वो बजाय दुखी के एक गर्व का था। अभी उन्होंने बड़ा गर्व हासिल किया है ये कुर्बानी देके, उनके पिता की कुर्बानी से। और ये चीज पिताजी ने बहुत बड़े स्तर पे सराही, और पिताजी ने भी उनकी बेटियों को सम्मानित किया स्टेज पे बुला के। इसी तरह इस मतलब ये सारी चीजें जो हुई, ये लीले इंसान की अपनी जिंदगी थी। इसके अलावा लीले इंसान ने अपने हिस्से की जो जमीन थी उस जमीन को दान करते हुए बोहा के अंदर एक नामचा घर का निर्माण करवाया। और बोहा में कहते हैं लीले इंसान की जब मौत हुई तो बहुत ज्यादा बरसात हुई थी उस समय। कहते हैं ऐसे आसमान भी रोता है, तो बहुत ज्यादा बरसात हुई उस दिन। और ये मतलब आज तक का रिकॉर्ड है भी, जब भी लिल्ली इंसान की नाम चर्चा होती है तो उस नाम चर्चा के दौरान भारी बरसात होती ही होती है हर साल। तो इस बार जो नाम चर्चा थी वो नाम चर्चा घर में ना रख के एक पैलेस में रखवाई गई। क्यों रखवाई गई वो मालूम नहीं, लेकिन इस बार डायरेक्ट, अब पिछले 4-5 साल से जब से पिताजी गए हैं, हजूर पिताजी, तब से डेरा के प्रबंधक उस नाम चर्चा में शामिल नहीं होते। और ना ही लिल्ली इंसान के इस करेक्टर को, सच कहूं मैं, या कहीं भी उनकी जो सोच है उसको कहीं बल दिया जाता है। बस ये खाना पूर्ति के लिए नाम चर्चा मानसा के वहां के स्थानीय लोग जो लिल्ली इंसान को महान मानते हैं वो लोग करते हैं, पर डेरे के या प्रबंधकों के एंड से कभी लिल्ली इंसान को सराहा नहीं गया। हजूर पिताजी की तरफ से बहुत सराहा गया, उनके उनको डेरे में आश्रय दिया, सब कुछ दिया उनके परिवार को, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये सब चला। तो ये लीले इंसान के बारे में, क्योंकि आज उनका उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और 27 तारीख में उनका जन्मदिन भी था पिछले दिन, हालांकि उनकी मौत 27 तारीख को ही उनकी हत्या की गई थी, पर क्योंकि उनका अंतिम संस्कार 28 को किया गया इसलिए उनकी पुण्यतिथि उनके जन्मदिन वाले दिन ना मना के 28 तारीख को मनाई जाती है। तो ये जानकारी आपको लीले इंसान के बारे में होनी चाहिए। हजूर पिताजी ने लीले इंसान को माँ शहीद का दर्जा दिया था और समूची साध संगत के सामने बहुत वचन फरमाए थे स्टेडियम के अंदर, जब जो स्टेडियम में जैसे ग्रीनेस की सेवादारों की मीटिंग वहाँ होती थी, स्टेडियम में फंक्शन होता, तब वहाँ ये वचन फरमाए थे काफी लीले इंसान के बारे में, शायद अगस्त में की थी उस समय। तो ये सारी चीजें आपको डेरे के इतिहास से संबंधित पता होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए भी इतिहास कोटों की कलमों से नहीं लिखा जाता, उल्टा कोटों की कलम सच्चाई के लोगों में क्रांति का काम करती है जब कोट की कलम गलत चलती है। तो फिलहाल आज तो कोट की कलम गलत ही चलती है, सही तो चलती ही नहीं। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए भी, जब तक कुर्सी पे जज बैठा है वो नियम के तहत काम करता है, इसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं है। कुर्सी से हटने के बाद उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है, और कुर्सी पे बैठ के नियम के तहत ही वो कार्रवाई कर सकता है। नियम के बिना वो एक शब्द भी इधर से उधर नहीं कर सकता। निचली कोर्टों की गलतियां हैं तो ही हाई कोर्ट बनी है, हाई कोर्ट ने गलतियां की हैं तो ही सुप्रीम कोर्ट बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने गलतियां की हैं तभी प्रेसिडेंट की सेक्रेटरीट बनी है, वहां पे सुनवाई भी होती है। तो गलतियां कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान इंसान ही है। लेकिन क्या है, अगर कोई कुर्सी पे बैठ के खुद को भगवान समझने लगे और उसको लगे भी सारी दुनिया का ज्ञान जज बनने से ही मिलता है, तो ऐसे जज को अपनी अकल ठिकाने लगा के रखनी चाहिए। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए, उस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे वो तेरी मर्जी।
धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा और सत्संग जी, महाशहीद लीलिंग शाह जी को भी याद करते हुए आप उनके सम्मान में भी हजूर पिता के चरणों में नारा जरूर लगाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।